तो आप ही का ब्लड, वो किसी गेम जोन है। तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कि पूरा रेडी है, ठीक है, गुड, गो 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 बेटा। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया वेफर चाहिए था, और अब आदि चॉकलेट वेफर का मज़ा उठाएगा, इसे चॉकलेट वेफर काफ़ी पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल नताशा ट्रैवल ब्लॉग में। और बड़ोदरा एक्सप्लोर करते करते हम आज पहुंच गए हैं ईवा मॉल, जो कि बड़ोदरा के मांझलपुर इलाके में स्थित है। तो आपको दिख रहा होगा ईवा द मॉल लिखा हुआ, और इसमें काफ़ी कुछ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस मॉल में क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ जैसा कि देखिए कि नताशा और आदि भी है। आदि से हेलो बेटा, आ जाओ इधर, इधर आके देखिए, आदि आप लोग को हेलो बोल रहा है। और नताशा भी अंदर जा रही है, और हम लोग अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों मॉल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी शॉप है और क्या क्या है, क्योंकि ईवा मॉल में हम भी फर्स्ट टाइम आए। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो हमेशा की तरह मॉल में टेम्परेचर वगैरह चेक हो रहा है। तो चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें। आदि कमेंट बेटा। तो चलिए मॉल के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे घुसते ही सबसे पहले लाइफ स्टाइल है जो आपको दिख रहा है, तो बताने की कुछ ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको यहाँ पर कौन कौन सी शॉप मिल जाएगी। नताशा और आदि भी यहाँ पे पहुँचे हुए, तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर का एक चक्कर लगा लेते हैं। ग्राउंड फ्लोर का एक चक्कर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी शॉप है। तो आइए चलिए एक बार ग्राउंड फ्लोर का चक्कर लगा लेते हैं। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे जहाँ तक फील हो रहा है कि हमने इन ऑर्बिट मॉल भी देखा है, तो ये इन ऑर्बिट मॉल इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ हम बोल सकते हैं कि ये बड़ोदरा का सेकंड बड़ा मॉल है, और यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद हम देखेंगे क्या है। तो ग्राउंड फ्लोर पर जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि काफ़ी कुछ है, गिन्नी जॉनी है, वीबा है, और काफ़ी कुछ है। तो दोस्तों आपको ये जो दिख रहा है द मैंगो पार्क, इसके अंदर जाने के लिए हमें अपना नाम वगैरह रजिस्ट्रेशन कराना है, और आदि काफ़ी एक्साइटेड है इसके अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पे नाम वगैरह अपना एंट्री करा के हम अंदर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये इस मॉल का थोड़ा अट्रैक्टिव लोकेशन है, जो द मैंगो स्लाइड द मैंगो पार्क लिखा हुआ है। तो हम भी अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। नताशा ऑलरेडी इसमें जो भी डिटेल्स मांगा गया है वो फीड करवा रही है, फिर उसके बाद हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है जो बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है अंदर जाने के लिए। इसका मेन कुछ भी नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है इसका सेटअप, अभी जैसे मैंगो फेस्टिवल चल रहा है, तो उसमें उन्होंने उसके बेस में मंथली मैंगो का नाम दिया और मैंगो पार्क क्रिएट करा है। और एडवर्टाइजमेंट के लिए जैसे कि जेएस कंपनी है उसने अपना दिया है, और भी स्पॉन्सरशिप दी है, और भी पापी लोग का है, आई लव चाय, मतलब चार पाँच ब्रांड अपना स्पॉन्सरशिप दिया है। अंदर बच्चा एक्टिविटी कर सकता है, और उसके लिए गिफ्ट भी है, इन केस अगर आपने कोई शॉपिंग करी है 500 प्लस आपका अमाउंट है, तो बच्चे को हम एक्टिविटी करवाएंगे, वो एक्टिविटी के बेस पर हम उसको गिफ्ट भी देंगे।
बस नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया है और यहाँ पे जैसा कि शूज़ है, हम यहाँ शूज़ निकाल देते हैं और अंदर चलते हैं कि अंदर बच्चों के खेलने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो आदि पहले से ही एक्साइटेड है और आदि सबसे पहले यहाँ पे स्लाइड करने के लिए रेडी है। ठीक है, गुड, गो 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 बेटा। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो एक बार अंदर इसके देखते हैं कि क्या क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही बेस्ट लोकेशन है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है जहाँ लोग फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक मैंगो स्लाइड का एक पार्क किया गया और यहाँ पे एक मैंगो का ट्री भी बनाया हुआ है और कुछ मैंगो साथ साथ में दिए गए। तो ये एडवर्टाइजर और साथ में लोगों के लिए ये बहुत अट्रैक्टिव जगह है। तो चलिए हम भी यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफी कर लेते हैं अद्विक के साथ और फिर से आगे आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो ईवा मॉल है उसके फर्स्ट फ्लोर पर आ गए हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ से ही दिख रहा होगा कि जो फर्स्ट फ्लोर है, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। एक बार मैं आपको राउंड लेके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे जो जो शोरूम है वो किस किस चीज़ का शोरूम है। तो काफ़ी कुछ दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे देखने से पता चल रहा होगा कि यहाँ पे काफ़ी कुछ के शोरूम है, मतलब कि आपके लिए अच्छा खासा शॉपिंग का एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो ऊपर से भी आपको एक बार नीचे का मैं व्यू दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो काफ़ी कुछ है। हम थर्ड फ्लोर पे भी जाएंगे और थर्ड फ्लोर पे भी जाके देखेंगे कि थर्ड फ्लोर पे क्या चीज़ है, बट पहले फर्स्ट फ्लोर पे हम देख लेते हैं कि फ़र्स्ट फ्लोर पे क्या क्या चीज़ें हैं। तो काफ़ी कुछ का शोरूम है जहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी ज़रूरत की यहाँ क्या चीज़ें मिल रही हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चलते हैं स्मार्ट बाज़ार, आपको जो सामने दिख रहा है स्मार्ट बाज़ार के अंदर चल के देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट की क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, ईवा मॉल में जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी तरह के जो आइटम्स हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा हाजमोला, जो पाचन क्रिया के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो काफ़ी वेराइटी के अंकल जी दे रहे हैं, तो काफ़ी कुछ है। तो नताशा भी यहाँ पे वो परचेस कर रही है, तो आपको दिखा दूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि काफ़ी तरह के आइटम हैं जो अंकल जी यहाँ पे बे सेल कर रहे हैं। और आपको नज़दीक से दिखा दूँ तो कुछ प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, प्राइस भी बिल्कुल सफिशिएंट प्राइस है। ये देखिए काफ़ी कुछ तरीके। तो हम भी यहाँ पर जो हींग आइटम नंबर जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हींग, वो हमने भी 100 ग्राम परचेस कर लिया है। तो आप आएंगे तो आपके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन रहेगा। तो ये क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये हर जगह आपको देखने के लिए नहीं मिलती जो ईवा मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे आपको देखने के लिए मिला। तो इस मॉल का एक अट्रैक्शन जो है वो ये भी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम ईवा मॉल के सेकंड फ्लोर पे आ गए हैं। तो सेकंड फ्लोर पे भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो सेकंड फ्लोर पे मिल रही हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रश था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, तो सेकंड फ्लोर पे भी हम देख लेते हैं। वेट, तो यहाँ पे अद्वि कम हियर बेटा, आदि। तो अभी हम लोग सेकंड फ्लोर पे हैं, तो सेकंड फ्लोर पे भी आपको दिख रहा है कि काफ़ी कुछ शॉप है जो सेकंड फ्लोर पे भी है। तो ये जो क्रोमा है दोस्तों, उसने फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों एक्वायर करके रखा है। और यहाँ से नीचे का सीन देखें तो यहाँ से नीचे का सीन तो बिल्कुल और भी अच्छा लगता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हैं सेकंड फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे कुछ ख़ास चीज़ें नहीं है दोस्तों, सेकंड फ्लोर थोड़ा लिमिटेड है। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इसके ऊपर फ्लोर में क्या है, तो थोड़ी देर में हम इसके थर्ड फ्लोर पे भी जाएंगे, लेकिन एक बार हम इसके सेकंड फ्लोर को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ईवा द मॉल के थर्ड फ्लोर पर पहुँच चुके हैं। तो थर्ड फ्लोर पर आपको जैसे दिख रहा है कि यहाँ पर PVR सिनेमाज़ है, ऑलरेडी सारे पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। मतलब कि ये जो फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है ईवा मॉल का, वो पूरा का पूरा मतलब PVR सिनेमा, और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ फूड जोन, मतलब कि इसका जो थर्ड फ्लोर है दोस्तों वो फूड जोन भी है। और यहाँ पे आपको अगर आप मूवी वगैरह आना चाहते तो यहाँ आ सकते हैं। और साथ में यहाँ बच्चों के लिए गेम जोन भी है जैसा मैं देख पा रहा हूँ। और इस साइड भी अगर आप देखेंगे तो बच्चों के लिए पूरा का पूरा एक गेम जोन बना हुआ है। तो इससे थोड़ा आगे मैं चलता हूँ, आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे और
और क्या क्या चीज़ें हैं। तो राइट साइड में भी पूरा का पूरा गेम जोन है। तो फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा जो थर्ड फ्लोर है वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, खेलने के लिए फुल्ली डेडिकेटेड है। और जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे लोग ऑलरेडी खेल रहे हैं, आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी भीड़ है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो थर्ड फ्लोर आपके लिए काफ़ी इंजॉयफुल होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ये गेम जोन के लिए फ्लोर है, डेडिकेटेड है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि और भी क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो दूसरा कॉर्नर है वो पूरा का पूरा फूड जोन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से फूड जोन पे हमने आदि ने फ्रेंच फ्राइज और नताशा ने जो आपको दिख रहा है यहाँ का बल चाट है वो ले लिया है, और आदि ने भी ले लिया है। तो चलिए हम भी लोग यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा जो फूड जोन है लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, और हमने भी यहाँ से ले लिया है। तो चलिए हम लोग भी स्लो रिफ्रेशमेंट यहाँ से कर लेते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आदि को ये देखिए आदि ने क्या पसंद किया अपने खाने के लिए। तो ये चॉकलेट वेफर है, जो आदि को काफ़ी देर से चॉकलेट वेफर चाहिए था, और अब आदि चॉकलेट वेफर का मज़ा उठाएगा। इसे चॉकलेट वेफर काफ़ी पसंद है, तो काफ़ी खुश भी है चॉकलेट वेफर खाते हुए। तो फ्रेंड्स आदि को यहाँ पे एंजॉय करना, तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 120 रुपीज़ दे के हाफ एन आवर के लिए यहाँ पे बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि आदि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है और यहाँ से आदि स्लाइड करके यहाँ पे मज़े कर रहा है। तो यहाँ पे वीकेंड में जो टिकट है यहाँ की जो 120 है, और वीकडेज में 100 रुपीज़ फॉर हाफ एन आवर। तो आदि यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करने वाला है जैसा कि आपको दिख रहा है। तो जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा है द ईवा मॉल के सामने कुछ प्रोग्राम होने वाला है, और काफ़ी लोगों की यहाँ पे भीड़ भी है और लोग प्रोग्राम देखने के लिए यहाँ पे बैठ गए हैं। आदि और नताशा भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो थोड़ी ही देर में ये प्रोग्राम शुरू होगा, तो चलिए हम और आप ये प्रोग्राम देख कर ही यहाँ से चलेंगे। सम्मान बढ़ाएंगे और आप लोगों के सामने उनकी प्रस्तुतियाँ काफी अच्छी तरीके से पहुंचेगी, ऐसा मैं सोचती हूँ। हम लोगों का नेक्स्ट परफॉर्मेंस अनुश्री जो वडोदरा से हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगी। वो कम से कम 8 साल की उम्र से नृत्य सीख रही हैं और बेसिकली वो फोक ज्यादा परफॉर्म करती हैं। उन्होंने परफॉर्मिंग के रूप में करी, समय के चलते हुए मैंने अपने आप को एक बेटे के रूप में ही ढाल लिया, मैंने अपने आप को बेटा ही मान लिया। सिर्फ 5 साल की उम्र में मैंने अपने पिताजी को खोया, और पिताजी को खोने के बाद समय के साथ में मैंने ये खुद में ठान लिया कि मैं ही अपने परिवार का एक सहारा हूँ, मैं ही एक लौता सहारा हूँ और अपने परिवार का एक सबसे बड़ा बेटा हूँ, और उस हर कर्तव्य को मैंने निभाया। लेकिन दोस्तों इतना स्ट्रगल करने के बाद भी मुझे मेरे परिवार ने, मेरे समाज ने अपनाया नहीं। सिर्फ 15 साल की एज में मैंने अपना घर छोड़ा, अपने परिवार, अपने अस्तित्व, अपनी पहचान की तलाश में मैं अपना घर छोड़ के निकल चुका, और उसके बाद मैं उन्हीं के अंश को नहीं मानते। माँ भारत की गाथा में श्रीकंडी को तो बहुत मानते हो आप, तो किन्नर को क्यों एक्सेप्ट नहीं करते? क्यों ये बात भूल जाते हो कि लड़का हो या लड़की हो या किन्नर हो, है तो आप ही का ब्लड, वो किसी और का खून तो है नहीं, तो आप उसे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते? क्यों उसको समाज से बेदखल कर दिया जाता है? क्यों उन्हें इतनी तकलीफें उठानी पड़ती है? तो मैं आपसे आज यही कहना चाहूंगा कि समाज में अगर रहना है तो कभी भी भेदभाव की नीति मत रखिए। मैंने समय के साथ में बहुत स्ट्रगल किया है, धीरे धीरे जब मेरा किसी ने साथ नहीं दिया तो मैंने लक्ष्य ट्रस्ट में कॉन्टेक्ट किया, और वहां से मुझे बहुत हिम्मत मिली, और उस हिम्मत के साथ में मैंने 1 महीने के अंदर ही अपना ऑपरेशन कराया,
लेकिन किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा पहला ऑपरेशन फेल हो गया। दोबारा ऑपरेशन कराया तब भी मुझे सफलता नहीं मिली, फिर से मेरा ऑपरेशन फेल हो गया। तीसरे ऑपरेशन में मुझे सफलता मिली और उस सफलता के बाद मैं ठीक हुआ। उसके बाद मैंने भारत के अलग अलग शहरों में अपनी ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग राज्यों में गया और वहाँ पे अपनी ट्रीटमेंट कराई, लेकिन मुझे गवर्नमेंट लेवल पे कोई सफलता नहीं मिली। आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि लाइफ में चाहे कैसा भी मोड़ आए, कितनी भी तकलीफ उठानी पड़े, आप कभी हिम्मत को मत हारना, क्योंकि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा। लास्ट में जाते जाते आप सबसे एक ही विनती करना चाहूँगा, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उनकी जिंदगी भी मौत है जो हिम्मत को हारे हैं। मेरे यार, जो हिम्मत को हारे। आपने जो भी अभी तक हमने आपको नृत्य दिखाया और जो भी प्रोग्राम हो रहा है वो एक ट्रांसजेंडर ग्रुप है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है ताकि वो हमारे समाज से जुड़ सके। तो उनकी बहुत अच्छी कोशिश है, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि यहाँ पे द ईवा मॉल के सामने कितना बहुत ज़्यादा रस है और उनको काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। और आपने भी इनका जो भी कार्यक्रम है, जो भी
डांस परफॉर्मेंस है वो देखा होगा, काफ़ी अच्छा था और हमने भी कुछ देर बैठ के ये सब कुछ देखा। तो आप भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो इनके प्रोत्साहन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम भी यहीं पर हैं, जस्ट पीछे यहाँ पे देख रहे हैं। तो अभी थोड़े ही देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों बता दूं कि आज हमारा जो ईवा मॉल में है और ये इतना अच्छा कार्यक्रम देख के हम बहुत ज़्यादा हमें आनंद आया कि इनके द्वारा जो परफॉर्मेंस किया गया बहुत अच्छा लगा, और आपको भी हमने अपने इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ दिखाया। तो हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों अपने अगले ट्रैवल ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।